रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HTML5 के क्रैश कोर्स में खुश आमदेद। ये कोर्स बेसिकली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने HTML भी नहीं की हुई, और आप HTML5 डायरेक्ट करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट करने के लिए इस कोर्स तक आ गए हैं, तो डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह होगी और आप लोग बड़े आराम से इसको कवर अप कर लोगे। इस कोर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML5 है क्या। अगर आप लोगों को याद है कि HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि बेसिकली वेबसाइट बनाने की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जितनी वेबसाइट्स बनी हैं उनमें ज़्यादातर वेबसाइट्स HTML में बनी हुई थी। अब HTML5 में एक नई बात क्या है, HTML5 से अब API बन सकते हैं। API स्टैंड फॉर एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो अब मोबाइल एप्लीकेशन आप HTML5 से बना सकते हैं। सो लेट स्टार्ट HTML नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं टैग्स से स्टार्ट। HTML5 जिन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है इनको टैग्स में लिखा जाता है। कुछ टैग्स जो हैं वो सिंगल होते हैं, यानी उनका एंडिंग टैग नहीं होता, और मैक्सिमम जो टैग्स हैं वो पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, यानी कि एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। चलिए देखते हैं टैग्स एक्चुअली होता क्या, उसको लिखते कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टैग्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो एक पेयर जो है वो स्टार्टिंग में आता है। ये वाला जो टैग है ये स्टार्टिंग टैग है। अब कैसे पता चल रहा है कि स्टार्टिंग टैग है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। जिस टैग में यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आएगा इसका मतलब है कि ये एंडिंग या क्लोजिंग टैग है, ये वाला जो है ये ओपनिंग टैग है। इसमें आप देखें तो लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे भी एक ब्रैकेट है, और दरमियान में एलिमेंट लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये जो टैग्स होंगे, सारे टैग वो सारे लिखे ऐसे जाएंगे कि एक ब्रैकेट इस तरफ होगा, लेस देन का ब्रैकेट और ग्रेटर देन का ब्रैकेट जो है वो इस साइड पर आएगा। ब्रैकेट जो है वो सेम रहेंगे, ये जो दरमियान में एलिमेंट है ये डिफर करेगा। इससे पता चलेगा कि आने वाली टेक्स्ट पर किस तरह की रेंडरिंग होगी, उसकी आउटपुट कैसे आएगी। अब बी लिखा हुआ है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड, यानी कि आगे आने वाली जो टेक्स्ट होगी वो बोल्ड लिखी हुई नजर आएगी। अगर आई लिखा होता तो आगे आने वाली टेक्स्ट जो है वो इटैलिक होती। अब क्लोजिंग टैग की बात करते हैं कि क्लोजिंग टैग किस तरह से होता है। यहाँ पर ये देखें, ये मैं फॉरवर्ड स्लैश की आपसे बात कर रहा था कि ये एक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमें बता रहा है कि ये एक क्लोजिंग टैग है। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट उसी तरह से लगा हुआ है, राइट साइड पे उसी तरह से ब्रैकेट है, और दरमियान में एलिमेंट लिखा हुआ है जैसे पहले था। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली इसी फॉरवर्ड स्लैश का ही आ रहा है। चले स्टार्ट करते हैं HTML5 के पहले कोड से। जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं तो उसमें भी हम सबसे पहला जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है। इसमें भी हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें कोड के स्टार्ट में जो लाइन आती है ये डार्क टाइप है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, यहाँ पर डार्क टाइप HTML, यानी कि आगे ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली बता रहा है ब्राउजर को कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये HTML टाइप का कोड है। अब बात यह है कि हम कर तो HTML5 रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा HTML, तो बेसिकली HTML5 जो है वो है तो HTML ही, HTML5 जो है इसका वर्जन है। तो बेसिकली हम ब्राउजर को यही बता रहे हैं कि ये जो आने वाला कोड है वो HTML में लिखा हुआ है। HTML की तरह HTML5 के जो कोड्स हैं वो भी HTML से स्टार्ट होता है और HTML5 पे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि ये अब HTML5 है तो यहाँ पर HTML5 लिखेंगे दोनों तरफ, ऐसा कुछ नहीं है, ये HTML ही लिखा जाएगा सिर्फ। टाइटल जब शो करना होता है हमने तो हम टाइटल कि जो टैग्स यूज़ करते हैं, टाइटल स्टार्ट में आता है और ये टाइटल का टैग एंड पे लगेगा, और दरमियान में जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज टाइटल में प्रिंट हो जाएगा। टाइटल का जो टैग है उसको हम हेड के टैग्स में क्लोज करेंगे, और उसके बाद जो बेसिकली हम करना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड हम लिखना चाह रहे हैं, तो वो हमने पैराग्राफ का टैग लिया है, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, और इसको हमने बॉडी में क्लोज कर दिया। अब अगली स्लाइड पर मैं आपको अगेन ये बताता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने उस तरह से डॉक टाइप का आपको बता दिया कि ये वेब ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहा है, किस्म बता रहा है कि ये किस तरह से होता है। अब हम जब स्टार्ट करते हैं HTML और HTML5, तो बेसिकली ये कंटेनर पूरा का पूरा आ जाता है। इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो आप HTML कंसिडर होगा और उसकी रेंडरिंग उसी तरह से होगी। उसके बाद यहाँ पर दो पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं HTML को, पहला पोर्शन हेड है, उसके बाद दूसरा पोर्शन बॉडी आता है।
टैग्स डिफरेंट है, जो हेड के अंदर यूज होने वाले टैग्स हैं वो डिफरेंट है, हेड वाले टैग बॉडी में यूज नहीं हो सकते, वहां पर काम नहीं करते। इस तरह से बॉडी वाले जो टैग्स हैं वो हेड में अगर लिख दिए जाए तो वो काम नहीं करेंगे, उनकी रेंडरिंग नहीं होगी, ये स्पेसिफाइड है। हेड के अंदर यूज होने वाले टैग्स में सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो है वो टाइटल का है, क्योंकि जो वेब ब्राउजर पर नजर आ रहा होता है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो टैब आपके आता है, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो उसकी जो डिफरेंट टैब्स बनती हैं उन टैब्स से जो नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, वहाँ यहाँ से पता चल जाता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। और बाकी जो हमने लिखना होता है वो सारा बॉडी टैक्स के अंदर आता है, जितनी ज़्यादा टैक्स आती है वो सारा कुछ बॉडी टैग के अंदर आता है। तो मेनली HTML का जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो बॉडी टैग में कंसिडर होता है। और इस तरह से हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो एक और कंटेनर बन जाता है जो कि बॉडी टैग के अंदर आता है। इस तरह से हम जितने भी पैराग्राफ यूज़ करते जाएंगे तो वो बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स के लिए कंटेनर्स बनाते जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये कोड हमने लिख लिया तो उसका हम सेव कैसे करेंगे, इसकी हम फाइल कैसे बनाएंगे। HTML की तरह इसमें भी हम जो फाइल है उसको हम .html के कोड के साथ ही, उसकी एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे। यहाँ पर हम .html की एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे। कोड लिखने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड वगैरह यूज़ किया जा सकता है, और इसको जब हम सेव करेंगे तो .html की एक्सटेंशन यूज़ होगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट एडिटर भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये VS कोड एडिटर है, ब्रैकेट एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ हो सकता है। इस कोर्स के दौरान हम आपको दोनों सिखा रहे हैं, पहला जो कोड है वो मैं बनाऊंगा आपके लिए टेक्स्ट एडिटर में भी, नोटपैड में भी बनाऊंगा, और फिर उसके बाद आपको VS कोड में भी बना के दिखाऊंगा। आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों VS कोड यूज़ करते हैं, उसको प्रेफर क्यों करते हैं, और नोटपैड में लिखना टफ क्यों कंसिडर होता है। जब आप लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल आपने देख ली तो चले इसका हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, और उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये टाइटल है, टाइटल में आप जो कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा था आई एम टाइटल, तो ये वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और हेलो वर्ल्ड हमने लिखा हुआ था बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसको हमने बोल्ड इटैलिक वगैरह कुछ भी नहीं किया था, सिंपल छोड़ा था, तो ये यहाँ पर सिंपल ही शो हो रहा है। अब यही चीज़ हमने प्रैक्टिकली बना के देखनी है। ये तो थ्योरेटिकली आपको सामने नज़र आ गया, अब हम प्रैक्टिकली इसको बना के देखते हैं, और जो काम मैं भी आपके सामने करूँगा इसी तरह से आप लोग फॉलो करते हुए अपना खुद से एक प्रोग्राम बनाए, और ये आप लोग फिर कमेंट्स में शेयर भी कीजिएगा, बताइएगा कि आपने ये बना लिया है।